9th ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन जनसंख्या पर चल रहे थे। आज हम उसका भाग 3 बनाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। देखिए, 9th ज्योग्राफी में लेसन हम चल रहे थे जनसंख्या पे। हमने लेसन के मेन पॉइंट देखे, जनसंख्या क्या है ये जाना, जनगणना क्या है वो जाना, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं। उसके बाद हमने जाना कि भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितने प्रतिशत है और यहाँ पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। हमने जनसंख्या घनत्व जाना, एक पाई चार्ट के माध्यम से जाना कि भारत के किस राज्य में कितनी जनसंख्या रह रही है। हमने जन्म दर के बारे में जाना, मृत्यु दर के बारे में जाना, प्रवास किसे कहते हैं वह जाना। आज हम पढ़ेंगे कि प्रवास का क्या प्रभाव होता है। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रवास जनसंख्या के आकार को प्रभावित करता है। यह अगर एक जगह एक देश के आंतरिक हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो तो जनसंख्या आपकी कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं आयु संरचना किसे कहते हैं। किसी देश में आयु संरचना वहाँ पर रहने वाले विभिन्न आयु समूह के लोगों को बताती है, जैसे कि बच्चे, वयस्क, वृद्ध, पुरुष, महिलाएं। तो ये सबको जानने में मदद करती है। चलिए, आयु संरचना को हम देख लेते हैं। 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले बच्चे, जिसमें जन्म से लेके 15 वर्ष तक के, चाहे लड़का हो या लड़की, वो सब आ जाते हैं। दूसरा है वयस्क, 15 से 59 वर्ष तक की आयु वाले को वयस्क के रूप में माना जाता है। यही वह आबादी है जो सभी का पालन पोषण करती है। उसके बाद आगे वृद्ध, 59 या उससे अधिक वर्ष की आयु वालों को हम वृद्ध कहते हैं। देखिए, अब कुल आबादी का कितने प्रतिशत बच्चे हैं वह देख लेते हैं। 34.4% जो है वो हमारे बच्चों की आबादी का। 58.7% वयस्क हैं। जो वृद्ध हैं वो 6.9% हैं कुल आबादी का। चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम जानते हैं लिंग अनुपात क्या है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 1000 पुरुष हैं और महिलाएं हैं 900, तो इसे हम क्या कहते हैं, लिंग अनुपात। अब हम जान लेते हैं साक्षरता दर किसे कहते हैं। 2001 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे हम साक्षर कहते हैं, पढ़ा लिखा। साक्षरता के स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। अगर आपके देश की जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं है तो वो आपके देश के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 64.84% साक्षरता दर थी, जिसमें से पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, 75.26 और महिलाएं 53.67% साक्षर हैं। ठीक है जी, हमने साक्षरता दर देखी कि 7 वर्ष या उससे अधिक वाला कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ लिख और समझ सकता है, उसे हम साक्षर कहते हैं। चलिए इससे आगे देखते हैं, किशोर जनसंख्या कौन सी है। किशोर हम जो 10 से 19 की आयु वाले बच्चे उन्हें कहते हैं। ये कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। तो जो किशोर है इसमें बालक बालिकाएं कोई भी आ सकता है और उनकी शिक्षा की तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। उनका भोजन अच्छा मिले ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि यही लोग बनकर आगे चलकर देश की प्रगति में सहायक होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, जनसंख्या वृद्धि से क्या समस्या उत्पन्न हुई। सबसे पहली पर्यावरण पर प्रभाव। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है
हमें उनके रहने खाने के लिए जगह और भोजन का प्रबंध करना पड़ता है, जिसके लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं। अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो हमारी जो हवा प्रदूषित हो जाएगी, पानी, ऑक्सीजन सब कम हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण पर। दूसरा, खाद्यान्न पर। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, हमें खाने पीने की वस्तुएं अधिक चाहिए, तो वो भी एक समस्या बन सकती है। तीसरा है सामाजिक प्रभाव। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है तो उसका सामाजिक प्रभाव भी उत्पन्न होगा कि बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आएगी। उनकी शिक्षा, चिकित्सा आदि का प्रबंध करने के लिए हमें और अधिक पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो ये सब एक समस्या बन। देखिए, जनसंख्या नीति क्या है? जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उसे कम करने के लिए अनेक से योजनाएं बनाना कि किस तरह से हम क्या कार्य करें जिससे हमारे देश की जनसंख्या नियंत्रित हो जाए। तो इसके लिए जो नीति बनाई जाती है, परिवार नियोजन कार्यक्रम, जैसे 1952 से ये सब प्रयास शुरू हुए हैं। तो चलिए इससे आगे हम देखते हैं जनसंख्या नीति बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला, क्योंकि अगर हमारी जनसंख्या के ऊपर हम कोई नीति बनाएंगे तभी हम अपने देश का विकास कर पाएंगे। सबसे पहली, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, 30 तक लाना, टीकारोधी कार्यक्रम चलाना ताकि बच्चों को बीमारियों से बचाया जाए, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, परिवार नियोजन के कार्यक्रम के लिए एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना। अगला जो हम देख रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो समस्याएं आती हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, बेरोजगारी, भोजन के प्रबंध की, उनके रहने की, उनके स्वास्थ्य की, शिक्षा की, उन्हें हम जो समस्या उत्पन्न हो रही है उन्हें रोकने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला, सभी के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करना, और वो भी कम कीमतों पर, बहुत अधिक कीमतें ना हो। जल और संसाधनों, वन और जल संसाधनों का उचित प्रबंध करना ताकि सतत विकास हो सके हमारे देश का। सतत विकास क्या होता है? जो लगातार चलने वाला विकास होता है। इस तरह के कार्यक्रम बनाना कि हमारे देश का विकास हो सके। दूसरी, जनसंख्या में कमी करना, बेहतर पोषण उपलब्ध करवाना, सार्वभौमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, तो इस तरह के लिए प्रयास करना। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना का प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ अपना यह आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।